पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार लोहड़ी, जिसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी के त्यौहार पर सभी लोग अपने घरों और चौराहों के बाहर लोहड़ी जलाते हैं और आग का गहरा बनाकर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनाते हुए रेबड़ी मूंगफली खिले खाते हैं। आपको बता दें कि लोहड़ी का पर्व फसल की बुआई और कटाई से जुड़ा त्यौहार है। लोहड़ी के इस पर्व को रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में भी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सभी ने आग का गेरा बनाकर रेबड़ी खीले खाते हुए इस पर्व को मनाया। इस अवसर पर मंदिर समिति की ओर से रेबड़ी मूंगफली खीले आदि का प्रसाद भी वितरित किया गया और एक दूसरे को लोहड़ी पर्व की बधाइयां दी। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी। युवाओं ने जमकर डांस किया। हम मनोकामना श्री हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी मुरादाबाद में आज लोहड़ी का कार्यक्रम विधिवत रूप से मनाया जा रहा है। ये जो है जब बहुत अति शीत का मौसम होता है, ज़्यादा ठंड का मौसम होता है, उसमें ये एक गर्मी प्रदान करने का ये हमारा त्यौहार है। और आज के बाद और कल मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य मकर में हो जाते हैं, मकर संक्रांति का पर्व कल मनाया जाएगा, इसके बाद हमारे जो धर्मगुरु हैं और हमारे जो वेद पुराण हैं उनके अनुसार थोड़ा थोड़ा शीत का जो मौसम है ठंड का वो कम होना शुरू हो जाता है, दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है और ठंड जो है दिन प्रतिदिन कम होती चली जाती है। ऐसा लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद हमारे जो है ग्रंथों के अनुसार और जो हमारे विद्वान लोग हैं उनका ऐसा मत और कथन है। ये लोहड़ी का पर्व अति ठंड में होता है तो इस दिन हम अग्नि माता की पूजा करके अग्नि प्रज्वलित करके अपने जो है खुशहाली और सबको शुभकामनाएं, एक तरह से ये उसका प्रतीक है कि सबके लिए ये शुभ हो, सबका कल्याण हो। जैसे कि हमारी हिंदू रीति रिवाजों की वो है, उसी के अनुसार ये त्यौहार हम मनोकामना मंदिर पर प्रतिवर्ष मनाते हैं। क्रांति के उपलक्ष्य में सुबह 8 बजे यज्ञ हवन आदि का कार्यक्रम है, तत्पश्चात हर वर्ष की भांति 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हम खिचड़ी के प्रसाद का वितरण प्रतिवर्ष करते हैं, जो कल भी सुबह 9 बजे से किया जाएगा।